सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी समझ लीजिएगा उनका अंतर्गत जो संस्थाएं हैं उनमें जो है इनर पार्टी इलेक्शंस वो नहीं होता है बहुत सारे पार्टीज में। ये सब सोचते हुए लिंगडो साहब, मैं, कृष्णमूर्ति साहब, हम लोग सब मिलके, जनरल साहब, जिंगन साहब, हम एक जो है संस्था स्थापित किया जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, फेम। हमने सिर्फ इनको यही कहा कि हम जरूर आपका काम जरूर लेंगे, लेकिन हमारा दो कंडीशंस है। एक तो यह है कोई कैंडिडेट जिनका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको जो है ना आप बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, हम भी अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब इलेक्शन जो होता है वो सब लोगों का जानकारी में होना चाहिए, इलेक्शन फलाना तारीख को होगा, शेड्यूल वगैरह हम अनाउंस करेंगे, ये होना चाहिए। और जो डिस्प्यूट होता है, जो झगड़े होते हैं इलेक्शंस के बारे में, वो डिसीजन जो है ना हम लोग फाइनल करेंगे। आदरणीय अशोक तंवर जी, जो कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और वो श्री केजरीवाल जी का सिरसा पधारने पर हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। गहराइयों से आपका सिरसा पधारने कमेटी की ओर से, आदरणीय अशोक तंवर जी की ओर से, और यूथ कांग्रेस की ओर से हम केजरीवाल जी से भी निवेदन बताना चाहूंगा कि मुसाई लाल जी शर्मा जी भी यूथ कांग्रेस से ही निकल के यहाँ जिला कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचने पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिला कांग्रेस की देन हूं मैं, बांध के प्रधान से चला था 1994। पहले नौजवान तबका जो है और सिरसा